तो आपके हिसाब से रियलिटी और रील साथ में कैसे काम करती है? एक मैं दो पार्ट है कि एक रियलिटी है एक रील है, एक है जो सच में रियलिटी दिखा रहे हैं। अब दूसरी चीज ये कि एक मुझे जो कहने में सही लगेगा ना कि जैसे दो स्ट्रगल चल रहे हैं कि आप रील में बहुत सारी स्टोरीज बना के दिखा रहे हो कि किसी स्टोरी में आप जीत रहे हो किसी स्टोरी में आप हार रहे हो, तो वो दुनिया को दिख रही है कि एक इंसान इस स्टोरी में यहाँ हारा था इस स्टोरी में जीता था। एंड आप दूसरे पार्ट में चले जाओ तो रियलिटी में भी एक इंसान रोजाना जीत रहा है रोजाना हार रहा है, पर उसका किसी को पता ही नहीं है, वो अपने तक लेके बैठा है। कुछ स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जो उसको मैनेज कर लेते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, वही पावर के साथ वापस उठते हैं रोजाना सुबह और सेम डे देन कुछ नया क्रिएटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक ये भी है कि हाँ रील्स का ये एक बेनिफिट तो मान लो कि जो छोटे क्रिएटर है उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपने टैलेंट को शोकेस करने का, पर उसमें बहुत सारी चीजें कचरा भी जा रही है। देखो अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो बहुत सारी चीजें हैं क्रिंज अपन बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जो कुछ भी बना रहे हैं कुछ भी डाल रहे हैं और वो वायरल भी हो रही है उनको व्यूज भी मिल रहे हैं ऐसा है, और कई लोगों का टैलेंट भी उठ रहा है पर कई बहुत पर अधिकतर ऐसा अगर आप रेशियो मान के चलो तो 100 में से 30% टैलेंट उठ रहा है और 100 में से 80% क्रिंज उठ रहा है ऐसा है। और वो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मतलब वो देखने वालों का एक हिस्सा है ना वो बहुत बड़ा है, क्रिंज देखने वालों का हिस्सा बहुत बड़ा है, टैलेंट को देखने वालों का हिस्सा थोड़ा इतना बड़ा शायद इतना बड़ा नहीं है, वो थोड़ा छोटा है इस वजह से।